सुशांत केस में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आज 6 लोगों से पूछताछ जारी। सीबीआई सभी से सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। सुशांत केस में आज दूसरे दिन रिया के माता पिता से पूछताछ, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई के सवालों से सामना। सीबीआई के एफआईआर में इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती दोनों नामजद आरोपी हैं। दोनों पर सुशांत के पैसों के गबन और धोखाधड़ी का आरोप। ड्रग्स केस में एनसीबी के शिकंजे में शौविक का दोस्त, एनसीबी की टीम ने बासित को हिरासत में लिया। ड्रग्स पेडलर जैद ने लिया था बासित का नाम। ड्रग पेडलर के पकड़े जाने के बाद शौविक और सैमुअल मिरांडा से एनसीबी कर सकती है पूछताछ। ड्रग्स रैकेट में एनसीबी ने जैद बिलात्रा को गिरफ्तार किया। जैद के पास से करीब 10 लाख रुपए, 2000 यूएस डॉलर और 180 ब्रिटिश पाउंड जब्त। ड्रग्स मामले पर जैद बिलात्रा ने खोले राज, बताया कामयाब होने के लिए शुरू किया ड्रग्स का कारोबार। जैद ने लिया बासित का नाम। शौविक से जुड़े हैं जैद और बासित के तार। सुशांत से जुड़े सवालों पर एनसीबी दोनों से करेगी पूछताछ। मुंबई में बासित के घर पहुंची इंडिया टीवी की टीम। कई बार बेल बजाने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रिया के वकील सतीश मानेशिंदे ने इंडिया टीवी से कहा, सभी कहानियां झूठी साबित हो रही हैं। रिया ने नहीं लिए थे 15 करोड़। सतीश मानेशिंदे ने कहा, सुशांत की मौत से पहले रिया घर छोड़ चुकी थी। अब तक जांच में सभी आरोप झूठे। श्रुति मोदी से भी सीबीआई ने की पूछताछ। रिया की मैनेजर हैं श्रुति मोदी। सिद्धार्थ पिठानी से जारी है सीबीआई की पूछताछ। नीरज और केशव से जांच एजेंसी सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। वरुण माथुर से ईडी कर रही है पूछताछ। सुशांत सिंह के बिजनेस पार्टनर रहे हैं माथुर। डिप्रेशन की दवाइयों पर सुशांत और बहन का चैट सामने आया। 8 जून को प्रियंका ने दवाइयों के बारे में बताया था। प्रियंका ने अपने चैट में भेजा था डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, इमरजेंसी के लिए टैबलेट साथ में रखने को कहा था। श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी का दावा, सुशांत का अपनी बहनों से हुआ था झगड़ा, इस वजह से डिप्रेशन में थे। श्रुति मोदी के वकील ने कहा, सुशांत का अपने पिता के साथ भी तनाव था। ड्रग रैकेट मामले में गौरव आर्या से लगातार दूसरे दिन ईडी ने पूछताछ की। 8 घंटों तक सवाल पूछे। पटना के एग्जीबिशन रोड पर लगे सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टर, लिखा जस्टिस फॉर सुशांत। चीन ने फिर एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश की। 3 दिन में तीसरी बार कोशिश नाकाम की गई। एलएसी पर चुमार इलाके में 7-8 बख्तरबंद गाड़ियों से आ रहे थे चीनी सैनिक। भारतीय जवानों के चिगारने के बाद वापस लौटे चीनी सैनिक। चेपुजी कैंप से भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनका मकसद भारतीय सैनिकों के साथ झड़प करना था। आज भी भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत जारी। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिश। भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की एक अहम रणनीतिक चोटी ब्लैक टॉप हिल पर जमाया अपना कब्जा। इस कदम से भारतीय सेना की स्थिति हुई मजबूत। चीनी सेना के अतिक्रमण की कोशिश पर विदेश मंत्रालय का बयान, वक्त पर की गई रक्षात्मक कार्रवाई की वजह से चीनी सेना के मंसूबों को रोका गया। एलएसी के हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के साथ मीटिंग की। तीनों सेना प्रमुख भी बैठक में शामिल हुए। हाई लेवल मीटिंग में चीन के लिए साफ संदेश, 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। एलएसी पर चीन की हरकत पर अमेरिका की भी नजर। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन के आक्रामक रुख को चिंताजनक बताया, शांतिपूर्ण हल की उम्मीद जताई। रूस के 3 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। 14 सितंबर से संसद का मॉनसून सत्र, कोरोना की वजह से इस बार सदन में प्रश्नकाल नहीं। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुरुवार को तीसरे सालाना सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक पर भेदभाव का आरोप लगाया। फेसबुक के सीईओ को चिट्ठी लिखकर निष्पक्ष बनने को कहा। फेसबुक कंटेंट पर तकरार, टीएमसी ने जुकरबर्ग को लिखा खत, कहा पब्लिक डोमेन में बीजेपी के पक्ष में कंटेंट। राहुल गांधी ने फेसबुक व्हाट्सएप की जांच की मांग की, कहा देश के आंतरिक मामलों में दखल देने का किसी को अधिकार नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जीडीपी और रोजगार को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा, लिखा भारत को मोदी मेड डिजास्टर्स से हो रही है परेशानी। जेई और नीट के छात्रों के लिए वेस्टर्न रेलवे मुंबई में चलाएगा 46 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें, 6 सितंबर तक जारी रहेंगी सुविधाएं। कोरोना संकट के बीच मंगलवार से शुरू हुई आईआईटी जेई की मेंस परीक्षा, 6 सितंबर तक चलेगा एग्जाम, कोरोना प्रोटोकॉल का किया जा रहा है पालन। सिलीगुड़ी में जेई का इम्तिहान देने पहुंचे बच्चे, एग्जाम सेंटर पर रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान। केरल के कोच्चि में भी जेई एग्जाम के लिए परीक्षार्थी पहुंचे, इम्तिहान से पहले तापमान की जांच हुई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, जीएसटी बकाए पर आसान और व्यवहारिक विकल्प देने की मांग की। लद्दाख और लक्षद्वीप भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल, अब 26 राज्य ले सकेंगे राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा। बिहार में एक और विधायक ने छोड़ा आरजेडी का साथ, वीरेंद्र कुमार ने थामा जेडीयू का दामन। आईटीबीपी शिमला के पर्वतारोहियों का कमाल, 22,222 फीट की ऊंचाई पर लियो पार्गल पहाड़ पर चढ़ाई पूरी की। दिल्ली में मेट्रो चलाने की मंजूरी मिली, एलजी अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार का प्रस्ताव माना। देश में कोरोना की तेज रफ्तार बरकरार, एक दिन में फिर 78,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। देश में कोरोना से 24 घंटे में 1,045 लोगों ने जान गंवाई, अब तक 66,333 लोगों की मौत। देश में अब तक 4,43,00,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच, मंगलवार को देश भर में 10,12,000 से ज्यादा सैंपल्स लिए गए। दिल्ली में कोरोना केस में फिर इजाफा, एक दिन में 2,312 केस, 18 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में फिर कोरोना से 15,765 लोग संक्रमित, राज्य में अब तक कोरोना के 8,08,306 मरीज। मुंबई में एक दिन में 1,142 केस, अब तक 1,46,947 कुल केस। नागपुर में 24 घंटे में 34 कोरोना संक्रमितों की मौत, 1,223 और लोग पाए गए पॉजिटिव। महाराष्ट्र पुलिस में एक दिन में 157 पुलिसकर्मी पॉजिटिव, अब तक 15,591 पुलिसकर्मियों को कोरोना हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी कोरोना संक्रमित, लक्षण नहीं होने पर घर में ही है क्वारंटीन। यूपी में फिर 5,571 केस आए, टोटल केस 2,35,000। 3 दिन के
सेल्फ आइसोलेशन में गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री के ओएसडी कोरोना पॉजिटिव। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन में ढील, दो दिन के बजाय सिर्फ रविवार को ही होगा लॉकडाउन। बिहार में 1928 नए संक्रमितों का पता चला, अब तक कुल पॉजिटिव केस की संख्या 1,38,000, एक्टिव केस 15,954। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,283 नए केसों का इजाफा, एक दिन में रिकॉर्ड 3,340 लोग ठीक हुए। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 690 नए केस, 5 लोगों की मौत, पिछले 24 घंटे में 141 लोग कोरोना से ठीक हुए। मध्य प्रदेश में फिर मिले 1500 से ज्यादा केस, एमपी से बीजेपी सांसद रीति पाठक भी पाए गई पॉजिटिव। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 3,219 नए केस, 11 की मौत, अब तक 1,09,780 लोग संक्रमित। मिजोरम में कोरोना के 8 नए मामले, अब तक 1,020 केस। तमिलनाडु में एक दिन में 5,928 केस आए, वायरस ने 96 लोगों को शिकार बनाया। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 9,058 लोग संक्रमित हुए, 135 लोगों की मौत। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा भी कोरोना पॉजिटिव। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 2,734 नए केस, 9 मरीजों ने दम तोड़ा। केरल में 24 घंटे में 1,140 नए केस, एक्टिव मरीजों की संख्या 22,512। पुडुचेरी में एक दिन में कोरोना के 397 नए केस, 13 लोगों की मौत। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन का प्रदर्शन, जूनियर डॉक्टर पर लगाया मारपीट का आरोप। फतेहाबाद में कोरोना वॉरियर्स के साथ बदसलूकी, गांव में सैंपल लेने गई हेल्थ टीम के सामान को जलाया। नैनीताल की जिलों में फिर से शुरू हुई बोटिंग, लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी झेल रहे थे बोट चालक। दुनिया भर में कोरोना के 2,58,00,000 से ज्यादा केस, अब तक 8,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अनलॉक 4 में जल्दी कुछ और पैसेंजर ट्रेनें चलाने की तैयारी, 100 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन में दी ढील, चेन्नई में बहाल की गई बस सर्विस। गोवा में खुले रेस्टोरेंट और बार, लोगों का तापमान चेक करके मिल रही एंट्री। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शराब से 50% एक्साइज ड्यूटी हटाई, कोरोना टैक्स के नाम पर लगाई गई थी। मुंबई के डोगरी इलाके में बहुमंजिला इमारत का कुछ हिस्सा गिरा, फायर ब्रिगेड की टीम ने 6 लोगों को बचाया। उत्तराखंड के मुनस्यारी में शव को 8 घंटे तक उठाकर पैदल चले आईटीबीपी के जवान, 25 किलोमीटर का सफर तय करके परिवार तक पहुंचाया। ओडिशा के बालासोर और केंद्र जिले में आसमानी बिजली का कहर, 8 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में हालात खराब, चंद्रपुर के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे। महाराष्ट्र के रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। नागपुर भी बाढ़ के कारण बुरी तरह प्रभावित, बाढ़ के कारण कई मकान ध्वस्त हुए। गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात, भरूच, नर्मदा और वडोदरा में 9,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। नर्मदा नदी में सरदार सरोवर बांध के आउटफ्लो को घटाकर आधा किया गया, डैम से 6.12 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सरदार सरोवर डैम से छोड़े गए पानी के कारण सबसे ज्यादा बुरे हालात भरूच में, भरूच में नर्मदा नदी खतरे के निशान से 10 फीट ऊपर। वडोदरा में भी बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया, करनाली और चारों गांव में घर और दुकान डूबे। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अगले 3 दिनों तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बाढ़ प्रभावितों के लिए 373 शेल्टर होम बनाए गए। राम मंदिर के नक्शे को मिली मंजूरी, अयोध्या विकास प्राधिकरण की बैठक से मैप हुआ पास। कर्नाटक के कोलार में पुलिस ने 2.95 करोड़ रुपए जब्त किए, कार के अंदर से मिले रुपए। इम्फाल के लामफेल सुपरमार्केट में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, अतिक्रमण हटाया गया। यूपी के कन्नौज में बीजेपी और सपा समर्थकों के बीच पथराव, सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान हंगामा। पितृपक्ष के मौके पर कानपुर के नारायण घाट पर देखी भीड़भाड़ लोगों ने पितरों को लिए प्रार्थना की। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में जुटा पाकिस्तान, सोशल मीडिया पर बेझा इस्तेमाल किया, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन ने उजागर किया सच। बांग्लादेश में भारत की राजदूत रीबा गांगुली ने बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुख से की मुलाकात, दोनों देशों में आपसी हितों पर चर्चा। सोशल प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, 15 सितंबर तक टिकटॉक को बेचने की डेडलाइन दी, कहा टिकटॉक नहीं बिका तो बैन करेंगे। ईरान ने इसराइल और यूएई की दोस्ती को बताया विश्वासघात, सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तालिबान ने अफगानिस्तान के मिलिट्री बेस पर हमला किया, पब्लिक प्रोटेक्शन फोर्स के 3 जवानों की मौत। अफगानिस्तान में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 190 हुआ, 4,000 घरों को नुकसान। और इटली के शहर वेनिस की में फिल्म फेस्टिवल का आज से आगाज, 77वें फिल्म फेस्टिवल में इटली के लॉकडाउन पर बनी 2 फिल्में भी दिखाई जाएंगी।